हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में भी हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट को क्लोन करेंगे जिसका नाम है सिल्क कैंडी। ठीक है, उसमें क्या है, वो वेबसाइट है एक एयरबड्स का, ठीक है, एयरफोन बेचता है। उस वेबसाइट को हम क्या करेंगे, क्लोन करेंगे। ठीक है, तो हम अपने वीएस कोड पे, मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है, यहाँ पे बूटस्ट्रैप का क्लासेस लगा लिया है। ठीक है, आइकन का फोंटोसम आइकन का सीडीएन लिंक लगाया है। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट मैंने फाइल बना फोल्डर बनाया है, वो चीज मैंने यहाँ पे लिंक किया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला काम हम एक नैप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नैप टैग लगाएंगे। ठीक है, और इसे मैं एक क्लास दे देता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा। ठीक है, और इसे मैं पीजी कलर कोड दूंगा। ठीक है, जो कि हैज 000। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। सारा नैप का काम हम इसी नैप टैग के अंदर करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में मैं क्या करूंगा, एक डिव बनाऊंगा। ठीक है, इसे मैं क्या करता हूँ, क्लास दे देता हूँ, क्लास दिया, और सबसे पहला क्लास में इसे क्या दूंगा, कंटेनर। ठीक है, कंटेनर। उसके बाद में मैं क्या दूंगा, इसे पैडिंग दूंगा, पैडिंग एक्स एक्सिस में। ठीक है, इसका पैडिंग जो था मैंने जीरो कर दिया। ठीक है, इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसका टेक्स्ट व्हाइट कर दूंगा, मतलब जो टेक्स्ट का कलर होगा वो हो जाएगा व्हाइट। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, जो कि है डी फ्लेक्स। यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो, मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, पर इससे पहले वाले वीडियो में ये सजेस्ट कर रहा था मेरे को, ठीक है, कि डी सिर्फ लिखते डी फ्लेक्स क्लास यूज करूंगा बोल के, क्योंकि मैंने वहां पे ऊपर से ही यूज करते आ रहा था, इसीलिए वो सजेस्ट कर रहा था। ठीक है, तो आप भी नया नया जब सीडीएन यूज करोगे तो आपको सजेस्ट नहीं करेगा और आपको खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्पेलिंग के साथ, और अगर स्पेलिंग गलत हुआ तो नहीं होगा। ठीक है, क्लास नहीं लगेगा अच्छे से। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाइट देंगे। ठीक है, हाइट में इसे दूंगा 60 पिक्सल। अभी हम सिर्फ नैप बना रहे हैं। ठीक है, पीसी या कोई सिस्टम पे नैप कैसा दिखेगा सिर्फ वो बना रहे हैं, उसके बाद हम फिर इसे रेस्पॉन्सिव भी करेंगे। ठीक है, अब जो भी क्लोनिंग का वीडियो आएगा वो फुल्ली रेस्पॉन्सिव होगा। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो फ्लिपकार्ट क्लोनिंग था, वो रेस्पॉन्सिव नहीं था। ठीक है, वो सिस्टम के लिए सिर्फ था। तो इस बार हम क्या करेंगे, अब जो भी वीडियो आएगा वो रेस्पॉन्सिव रहेगा। ठीक है, तो मैंने हाइट दे दिया 60। बाद में क्या करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन करूंगा। ठीक है, तो स्पेलिंग के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये सजेस्ट नहीं करेगा मेरे को। ठीक है, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, और अलाइन आइटम भी हम क्या करेंगे, सेंटर करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब हम इसके अंदर बनाएंगे अपना नैप। ठीक है, इतना करने के बाद मैं कंट्रोल एस टू सेव करूंगा और गो लाइव जाऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई भी टेक्स्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे टेक्स्ट और लोगो लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक और डिव बनाऊंगा। ठीक है, इससे मैं क्लास दे देता हूँ, और इससे पहला क्लास क्या करेंगे, हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। ठीक है, अब सजेस्ट कर रहा है क्योंकि एक बार मैंने पहले ही ऊपर यूज कर लिया है। ठीक है, इसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, वो अभी सजेस्ट किया मेरे को अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, इसके अंदर हम एक इमेज लगाएंगे, ठीक है, जो कि होगा लोगो, और मैं वो लोगो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जो कि मैंने नैव बार के फोल्डर में सेव किया है, ये सिल्क कैंडी PNG। ठीक है, ये इमेज है, ये हम यूज करेंगे। ठीक है, और एक और लोगो है इंडियन फ्लैग का, ठीक है, ये भी हमें यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, सिल्क कैंडी। ठीक है, तो पहले हम क्या देंगे, फोल्डर का नाम, फिर इमेज का पाथ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास देंगे ताकि हमें इसका विड्थ और हाइट सेट करना पड़े। ठीक है, तो मैं इसका विड्थ कर दूंगा कितना, 180 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके ठीक नीचे एक एंकर टैग, यूज करूंगा। ठीक है, उसके बाद एच आर एफ में क्या दूंगा, हैज दे दूंगा, और यहाँ पे मैं पहले क्लासेस लिख लेता हूँ। तो इसमें सबसे पहला क्लास क्या होगा, इसका सबसे पहला क्लास होगा टेक्स्ट वाइट। ठीक है, उसके बाद इसका फॉन्ट साइज, ठीक है, टेक्स्ट का साइज होगा 12 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें दूंगा फॉन्ट मीडियम, फॉन्ट ऑसम की जगह में कर दूंगा मीडियम। ठीक है, उसके बाद मैं इसे मार्जिन दूंगा एक्स एक्सिस में, जो कि होगा 1.5 रैम। आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, इसका हाइट भी सेट कर दूंगा, जो कि होगा 24 पिक्सल। ठीक है, और इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इस पर
ओवर इफेक्ट लगाऊंगा। तो होवर होते ही क्या हो, ओवर होते ही बॉर्डर आए, ठीक है, बॉर्डर बॉटम आए, ठीक है, बॉर्डर हाइफन बी, बी मतलब बॉटम, ठीक है, और कितना आए, 2 दे रहा हूं, तो यहाँ पे अराउंड 2 पिक्सल या 3 पिक्सल के अराउंड बॉर्डर आएगा, ठीक है। और उसके बाद होवर करते क्या हो, कलर भी थोड़ा चेंज हो, ठीक है, तो होवर और बॉर्डर का कलर चेंज हो, बॉर्डर, उसके बाद ब्रैकेट में हम क्या देंगे, कलर कोड, तो हैश 96696, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव, ठीक है। इसके बाद में क्या करूंगा, इसमें टेक्स्ट लिख दूंगा, ठीक है, और जो टेक्स्ट है वो है शॉप, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव, और चलते हैं हम अपने पेज पे एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं इमेज तो आ गया है, ठीक है, और यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर सेट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ बाय डिफॉल्ट इमेज आया है, ठीक है। तो आई थिंक हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टेलविन सी एस एस इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ता है जब भी हम सी डी एन के थ्रू यूज करते हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इंटरनेट कनेक्ट हो गया, और एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लोगो आ गया, नैफ का कलर ब्लैक हो गया, इस पे हम होवर करेंगे तो बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और टेक्स्ट होगा, ठीक है, और एक टेक्स्ट होगा, उसके बाद जो लोगो मैंने दिखाया था इंडियन फ्लैग का वो होगा, ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। इस एंकर टैग के बाद ठीक इसके नीचे एक और एंकर टैग बनाएंगे, ठीक है, एक और एंकर टैग बनाएंगे, इसमें हम डाल देंगे हैश, और इसमें भी हमें क्या करना है, क्लासेस देना है, ठीक है, क्लासेस, और इसमें भी सेम है। तो पहला क्लास हम क्या करेंगे, टेक्स वाइट, इसके बाद टेक्स फॉन्ट साइज हमें सेट करना है जो कि है 12 पिक्सल, ठीक है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, हमें इसका फॉन्ट मीडियम करना है, ठीक है, फॉन्ट मीडियम, एंड उसके बाद इस पे भी ओवर करते ही क्या लगे, बॉर्डर लगे वो देना है, बॉर्डर हाइफन 2, एंड देन बॉर्डर का कलर ओवर करते ही, ठीक है, ओवर बॉर्डर हाइफन और हैज 9696 वाला कलर, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव, और इसमें हम टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है, और टेक्स्ट मैंने जो बोला था वही लिखेंगे, ठीक है, इनसाइड सिल्क कैंडी, ठीक है, इनसाइड एस डबल एल सी ए एन डी वाई कैंडी, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव, एंड लेट्स चेक द पेज। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका बॉर्डर चारों तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, बॉर्डर, अच्छा यहाँ पे मेरे को देना है हाइफन बी, कंट्रोल एस टू सेव, नाउ यस ये यहाँ पे आ रहा है, पर ये ऊपर जा रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका हाइट सेट करना है, ठीक है, तो हाइट हम इसका क्या कर देंगे, जो ऊपर दिया है 24 पिक्सल वही हम इसका हाइट कर देंगे, ठीक है, 24 पिक्सल, कंट्रोल एस टू सेव, एंड लेट्स चेक, हाँ तो अब सही है, यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इस साइड का राइट हैंड साइड का भी बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, ठीक है, और फिर हम इस वाले डिप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, ये यहाँ पे जो डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर किया था, ये वाले डिप से हम क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक और डिप बनाएंगे, इसे भी हम क्लास देंगे, जो ऊपर दिया था वही क्लास देंगे, और इसका हाइट सेट करेंगे हम, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, दूसरा अलाइन आइटम सेंटर, एंड एक और क्लास ऐड करेंगे इसमें जो कि है इसका हाइट, इसका हाइट हम कर देंगे 60 पिक्सल, ठीक है, 60 पिक्सल, ठीक है, और बाकी चीज हम इसमें लगाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, और एंकर टैग चरफ में हैस, आफ्टर दैट क्लास, ठीक है, तो क्लास इस पे देते हैं, ठीक है, तो सेम क्लास है, एक्स, एक्स इसका इस बार वाइट नहीं करेंगे, ठीक है, एक्स में हम इसे कलर कोड देंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज सेट कर लेते हैं 12 पिक्सल, ठीक है, उसके बाद एक्स इसका हम वाइट की जगह कुछ और कलर करेंगे एक्स, और यहाँ पे हम देंगे हैश 9696 वाला कलर कोड, ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसका एक्स इस पे हमें क्या करना है, होवर इफेक्ट लगाना है, तो एक्स नहीं, होवर एंड टेक्स्ट, और इस पे क्या कर देना है, हमें कलर कोड देना है, ठीक है, हैज 9696 वाला, ठीक है, टेक्स्ट पे होवर करे तो यही कलर है, ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसे मार्जिन देना है जो कि है 1 RAM, ठीक है। आफ्टर दैट
हमें क्या करना है, हमें इसका हाइट सेट करना है, जो कि इसका हाइट हम कर देंगे 24 पिक्सल। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे भी हम सेम बॉर्डर देंगे होवर करते ही। होवर करने पे बॉर्डर बॉटम टू, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका भी बॉर्डर पे कलर वही आना चाहिए। ठीक है, तो बॉर्डर ओवर बॉर्डर हाइफन बी हाइफन कलर कोड है एस 9696 वाला। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब हम क्या करेंगे, इस पर टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, और इसमें टेक्स्ट क्या रहेगा, सपोर्ट। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव एंड लेट्स चेक द वेब पेज। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आया। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ आइकन्स लगाने हैं। ठीक है, जैसे यूजर का सर्च आइकन और एक क्या बोलते हैं ये एड टू कार्ट का आइकन। ठीक है, ये तीन आइकन लगाने हैं और एक लोगो जो मैंने दिखाया वो। ठीक है, यहाँ पे इंडिया मैप का ये लोगो हमें लगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, और इसके ठीक नीचे मैं क्या करूंगा, एक एंकर टैग के अंदर आईएमजी लगाऊंगा। ठीक है, एक एंकर टैग के अंदर इमेज लगाऊंगा। पहले एंकर टैग, एंकर टैग और चार एफ में हैश एंड आफ्टर इस पे मैं क्या करूंगा, इमेज लगाऊंगा। और इमेज क्या होगा, जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ये इमेज है। ठीक है गाइस, आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। ठीक है, जब ये क्लोनिंग का पार्ट खत्म हो जाएगा तो एंड वाले वीडियो में और बाकी सारे पार्ट में मैं क्या करूंगा, सोर्स कोड आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वहां से आप इमेज भी देख सकते हो, ले भी सकते हो और पूरा सोर्स कोड डाउनलोड करके देख भी सकते हो कहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है। ठीक है, तो आप सोर्स कोड के लिए टेंशन मत लेना। ठीक है, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने वेब डेवलपमेंट फ्रेंड्स को। ठीक है, जो सीख रहे हैं, जिसे इंटरेस्ट है वेब डेवलपिंग में, ठीक है, उन्हें भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अब हम SRC में क्या देंगे, पहले फोल्डर का नाम, उसके बाद जो इमेज का नाम है वो। ठीक है, इमेज पाथ का नाम है जो वो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास ऐड करेंगे। ठीक है, और इसमें हम क्लासेस क्या क्या देंगे, सबसे पहला क्लास हम इसका विड्थ सेट करेंगे। ठीक है, और विड्थ होगा इसका 25 पिक्सल। ठीक है, और फिर इसका हम हाइट सेट करेंगे। ठीक है, हाइट भी इसका क्या होगा, 25 पिक्सल, क्योंकि मेरे को ये परफेक्ट स्क्वायर में चाहिए। ठीक है, तो हाइट और विड्थ हो गया। फिर मैं इसे मार्जिन दूंगा XX, मार्जिन में इसे दूंगा 1 RAM। ठीक है, 1 RAM हो गया। उसके बाद इस पे भी हम होवर लगाएंगे सेम। ठीक है, बॉर्डर आना चाहिए। ठीक है, तो बॉर्डर -b -2। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद इस पे भी कलर वही होगा, बॉर्डर का बॉर्डर S9696। ठीक है, कंट्रोल S2 सेव। अब चलते हैं हम अपने पेज पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इमेज आ गया। ठीक है, और इस पे होवर करने पे क्या हो रहा है, इमेज स्क्विच हो रहा है। तो ये चीज हम बाद में सेट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, तीन आइकन्स लगा। ठीक है, तो हम तीन आइकन्स लगा लेते हैं। ठीक है, इसी डिव के अंदर एंकर टैग के नीचे हम यहाँ पे क्या लगेंगे, आइकन्स लगाएंगे। ठीक है, तो आप बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे जाके भी ला सकते हैं। ठीक है, पर मैं यहाँ पे क्लासेस लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको पता होगा, अगर आप मेरा वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हो तो मैंने वीडियो में बताया कि आप कैसे CDN लिंक ला सकते हो, उसके बाद आइकन्स लगा सकते हो फॉन्टोसम की वेबसाइट से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लासेस लिख रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल S टू सेव एंड लेट्स चेक। तो आ गया, तीनों आइकन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन्हें भी थोड़ा डिजाइन करें। ठीक है, तो पहले यूजर पे हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, और फॉन्ट साइज मैं इसका कर दूंगा 20 पिक्सल। ठीक है, यही क्लासेस हम तीनों में देंगे। ठीक है, फिर पैडिंग देंगे, पैडिंग एक्स एक्सिस जो कि है 1 RAM। ठीक है, कंट्रोल S टू सेव, और मैं क्या करता हूँ, ये प्रॉपर्टी को कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, और इसे मैं यहाँ पर भी दूंगा कंट्रोल V एंड यहाँ पर भी दूंगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पैडिंग भी हम दोनों में सेम देंगे। तो ऑल्ट शिफ्ट ऑल्ट एंटर यहाँ पे और यहाँ पे पी एक्स एक्सिस पे ये, और हमें कितना देना है, 1 RAM। ठीक है, कंट्रोल S टू सेव एंड लेट्स चेक द वेब। तो यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे नैव बार तो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही है। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इस चीज को
रेस्पॉन्सिव बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर आपको मैं दिखा दूं रेस्पॉन्सिव करके, तो ये अभी रेस्पॉन्सिव नहीं है, अभी ये रेस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब ये मीडियम स्क्रीन पे आएगा तो ये चीज हट जाएगा। ठीक है, ये चीज सेंटर में आ जाएगा और सिर्फ ये चीज रहेगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हैमबर्गर बनाएंगे, उस पर क्लिक करने पे बाकी नैव का आइटम सब दिखे। ठीक है, और कोई क्लिक करे तो क्लोज हो जाए, और वो चीज हमें बड़े स्क्रीन पे नहीं देखना है। ठीक है, तो वो चीज हम बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही गाइस। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर।